गाइस, तो चुपके से एक चीज दिखा रहे हैं हम आपको। रुकिए एक मिनट, क्या क्या हम इंतजाम किए हैं। हे फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। पहले हम लोग कोलकाता से आ गए थे, और आते के साथ सबसे पहला काम ये है कि एक दो दिन के बाद दिवाली है, और मैं भी कल शायद धनतेरस भी है, तो घर का सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और तो नेहा बोली कि एक लेबर ले आई है ना, तो हम लोग एक नहीं तीन लेबर लेके आए, और तीनों मिल के एकदम सोचे एक ही दिन में पूरा घर को साफ करवा देंगे। तो चलिए दिखाते हैं, वो लोग अभी घर को साफ कर रहे हैं। देखो पूरा साफ हो रहा है ना। सबसे पहले हमारा रूम साफ हो रहा है, तीनों को लगा दिए एक रूम में, तो जल्दी जल्दी हो रहा है। अभी आधा घंटा में ये रूम क्लियर हो गया, उसके बाद तीन रूम और, एक हॉल, छत, और नीचे भी थोड़ा बहुत बचा है, तो सब मिल के एक साथ में ही कर लेगा सब फैमिली। तो पूरा घर साफ हो गया, और करवाने वाली है मिस नेहा। अब लास्ट भी किचन बचा हुआ है, पूरा किचन का सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, चारों तरफ। और लास्ट है ना ये, तो पहला रूम दिखाए थे और लास्ट दिखा रहे हैं, बीच का दिखाए नहीं क्योंकि बोरियत हो जाता। गाइस, तो अब इतना सारा काम करके हम नहा लिए और बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि लेबर रखते हैं लेकिन फिर भी काम करना ही पड़ता है। तो चलिए अभी आप दिखाते हैं कि हम क्या क्या बनाए हैं खाना में। रात में हम जल्दी जल्दी में थोड़ा सा मटर का घुगनी बना लिए और रोटी बनाए हैं, और थोड़ा सा चूड़ा भी फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि घुगने के साथ तो चूड़ा खाना ही चाहिए। मतलब खाते हैं हम लोग, खाना ही चाहिए, वो ज़रूरी नहीं है लेकिन हम लोग खाते हैं। और एक सीक्रेट चीज़ आपको बता रहे हैं कि कल है धनतेरस, तो ये आ गए थे इसलिए अब वीडियो शूट नहीं कर पाए, रुक गए थे। तो कल है धनतेरस, और कल है 22 तारीख, जो कि इनका बर्थडे का दिन है। तो रात में 12 बजे हम कुछ प्लान किए हैं केक काटने का, तो कुछ सरप्राइज हम देने वाले हैं, जो कि आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको सब कुछ दिखने को मिलेगा। वो नीचे मतलब मेरे रेंटर है बिट्टू, एक है, उसी से हम मंगवा लिए थे केक, और उसको सेफली हम फ्रीज में डाल दिए हैं। पता नहीं देखे या नहीं, अभी तक तो नहीं पता चला। तो और भी आपको बहुत कुछ दिखाएंगे, ब्लॉग में बने रहिएगा। तो हे गाइस, कल है धनतेरस, और कल एक और स्पेशल भी चीज़ है जो कि माथा हिला रहे हैं। तो कल है ये इनका बर्थडे, और क्या ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो कल 22 तारीख है और इनका बर्थडे है, और हम लोग रात में कुछ प्लान किए हैं। क्या मतलब कल रात में 8 बजे, मतलब 6-7 बजे केक वेक काटेंगे, और फिर कुछ बना के इनको खिलाएंगे स्पेशली। बस इतना ही कुछ, क्योंकि धनतेरस है तो घर में ही रहना चाहिए। तो देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं कल। गाइस, तो चुपके से एक चीज़ दिखा रहे हैं हम आपको। रुकिए एक मिनट, क्या क्या हम इंतज़ाम किए हैं। तो ये देखिए, हम चौकी के अंदर छुपा के रखे हैं ये सब बैलून। और एक चीज़ और दिखाते हैं आपको। पे केक भी रखा हुआ है फ्रीज में, आराम से इसको छुपा के रखे हैं, क्योंकि वो 10 बार फ्रीज खोलते रहते हैं कुछ कुछ देखने के लिए। ठीक है, तो अभी हम इधर आ गए हैं, और ये और कैरा सो गए थे, तो हम चुपके से निकल के आ गए हैं। थोड़ा सा मतलब कुछ डेकोरेशन तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत तो करेंगे ही। तो जल्दी जल्दी हम डेकोरेशन करते हैं और आपको दिखाते हैं। गाइज, ये डेकोरेशन तो कर लिए हैं, बस थोड़ा सा, उतना भी अच्छा नहीं किए हैं, और ये लोग सो रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 11:46, तो बस 10 मिनट बाद, 10-15 मिनट बाद हम चले जाएंगे इनके रूम में, और अभी उठाएंगे। और क्यारा सो गई होगी, क्यारा तो सो ही गई थी तभी हम आए थे तो, और ये भी सो गए थे। तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं हम कि कैसा डेकोरेशन किए, मतलब उतना भी अच्छा नहीं किए, बस हो गया, दिखाते हैं अभी आपको।
छोटा सा डेकोरेशन है, जो कि यहाँ पे हम रेड बैलून लगाए थे लेकिन रेड बैलून फूट गया एक बैलून, और एक यहाँ इधर रेड लगाए हैं और इधर वाइट लगाए हैं, और ये डेकोरेशन है। और एक ये केक जो हम मंगवाए हैं जो कि बहुत सुंदर है, ये केक हम मंगवाए थे, तो देखिए आपको आगे से दिखा देते हैं। इसमें कुछ लिखा नहीं क्योंकि हम बोले भी नहीं थे कुछ लिखने। तो कल धनतेरस भी है, मतलब 12 बजे के बाद धनतेरस भी है, और हम लोग का घर साफ़ सफाई भी हो रहा था तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, फिर भी हम सोचे कि मतलब केक तो कटाना ही है, लेकिन इनको नहीं पता था, मतलब ये सब इनको नहीं पता है कि हम केक मंगवाए हैं या किसी से भी मंगवाए हैं, नीचे जो मेरे रेंटर है जैसा कि आपको बताएं उनसे मंगवाए हैं। और ये डेकोरेशन मतलब उनको अच्छा तो वो लगेगा, तो मतलब अब ना मेहनत से किए हैं तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा, तो इनको अभी कुछ भी नहीं पता है, सब सरप्राइज़ है। तो अभी टाइम बीत नहीं रहा है, बस हमको नींद भी नहीं आ रहा है, फिर हम उठ के अभी 11:50 होने वाला है और उसके बाद 10 मिनट और वेट करके हम जाएंगे और इनको उठाएंगे। तो 11:58 हो गया है, बस 2 मिनट बचा हुआ है, लेकिन पहले 2 मिनट पहले ही हम चले जाएंगे क्योंकि इनको उठा के भी लाना है इस रूम में, तो 2 मिनट ऐसे ही बीत जाएगा। तो चलिए इनको अब सरप्राइज देते हैं कि क्या ये एक्सपेक्ट किए थे ऐसा कुछ, तो चलिए देखते हैं अभी क्या कर रहे हैं। तो क्यारा उठ गई है, हे भगवान, क्यारा भी उठ गई है और खेल रही है और ये सो रहे हैं आराम से। कैसे उठ गई तुम बेटा? हाँ पापा को उठाओ। ओए सुनिए, उठिए। तो हैप्पी बर्थडे आपको। थैंक यू। क्या रहा पापा को हैप्पी बर्थडे विश करो। इधर कहाँ ला रही हो? विश करो। थैंक यू बर्थडे। कितना खुश। हैप्पी बर्थडे। बोल के? क्यों थे? तो क्या रहा आपको बर्थडे विश कर रही है इतना देर से? हैप्पी बर्थडे। बोले तो यहीं रुकिए। क्या? तो लीजिए हैप्पी बर्थडे टू यू। आई लव यू। कहाँ से लाई तू? बंदर का तुम्हारा है? मेरा। वो क्यारा बोल रही है मेरा है। क्यारा ये क्या है? कैसा लगा आपको घटिया डेकोरेशन? आपको क्या मतलब है कोई भी ला के किसी से मंगवाए? अच्छा है मम्मी। गिफ्टों से मंगवाई? हाँ गिफ्टों से तो मंगवाई। कैसे? अच्छा बता दिया था क्या वो आपको? तो शाम को ही लग गया था, उसका फोन नहीं मिल रहा है, हमको फोन कर रहा था। नहीं वो सब तो वो था, नॉर्मल था, उसका फोन नहीं लग रहा था। हाँ वो सब नॉर्मल था। उसके बाद उसका गलती से दोबारा फोन हम ही को आया। अच्छा है औसम। नहीं वो सब तो उसका नॉर्मल होगा शायद, हम तो जाके दिए थे पैसा। तो क्या आप एक्सपेक्ट किए थे? कैसा लगा केक? केक बहुत सुंदर लाया है ना? केक तो बहुत सुंदर है। अब खाने के बाद वैसे वेनिला शायद है, वेनिला फ्लेवर, तो हम ऐसा एक्चुअली बोले नहीं थे वेनिला लाने। तो अभी पूरा आंख आपका रेड है। तुम तो सो गए थे, ये सोए भी नहीं थी। हम भी निकल गए थे क्यारा को सुला के। अभी महारानी उठ के बैठी हुई है। तो अब हम लोग केक काटेंगे, मतलब ये केक काटेंगे, पता नहीं इतना दूर आवाज जाएगा या नहीं। आवाज तो जाएगा। तो आज इनका बर्थडे है और क्यारा बोल रही है कि मेरा बर्थडे है, तो आप थैंक यू भी नहीं बोले। कई बार बोलेंगे थैंक यू। कितना केक काटिए सही में?
कैसे करता है? एक साल पहले काटे थे, भूल गया ना। जल्दी कल पकड़ो, क्या केक काटो। हाँ पकड़ो, मैं पका। Happy birthday to you, happy birthday to you, फिर जल जाएगा। Happy birthday to पति, happy birthday to you, चुकु चुकु चुकु, चुकु चुकु चुकु। देखो जल गया ना क्या रहा? जा देखो क्या रहा, फिर से जल गया। अब क्या रहा मोमबत्ती ग्लो करते रही। कैसा लगा केक? क्या ना बहुत ज्यादा टेस्टी केक है, बता नहीं सकते, बहुत अच्छा टेस्टी, बहुत ज्यादा टेस्टी है। और लग रहा है बहुत सारा खा ले केक, इतना अच्छा है। धीरे से क्यों लगा रही? क्या रहा नहीं लगाओ प्लीज, हम तुमको भी लगा देंगे क्या रहा। तो हे गाइस, केक तो कट चुका है और सब क्यारा तब से केक खाने में लगी हुई है, क्योंकि केक बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा था। मैं अच्छा बनाई नहीं तो नीचे जो मतलब रेंटर रहते वो ला के दिया था बिट्टू, उसी से मंगवाए थे, तो उसको भी थैंक यू है। आपको डाउट क्यों हुआ? फील हुआ कि वही ला सकते नहीं, तो वो मोबाइल उसका खोया होगा सही में, लेकिन मतलब इसके लिए तो नहीं आया था कि सब चीज मतलब हम देख के ही आ गए थे। तो आज इनका बर्थडे है, आप लोग भी विश कीजिए। ये वीडियो कल पोस्ट होगा, मतलब बर्थडे के दिन ही पोस्ट हो जाएगा शायद, या शाम में, जब भी हो। तो आप लोग भी विश कीजिए और आप लोग भी केक खाइए, बहुत ज्यादा टेस्टी केक है, बता नहीं सकते, ऐसा लग रहा है सब खा जाए। लेकिन नहीं, नीचे भी देना है केक, तो अभी सब केक हम लोग फ्रीज में रखेंगे। पापा को बोल दो क्या रहा हैप्पी बर्थडे, क्या रहा बोल दो पापा को हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच, यू आर मगरमच्छ। तो आज फिर हम लोग रात में फिर सेलिब्रेशन करेंगे, छोटा मोटा ही, क्योंकि घर में कोई आदमी नहीं है, तो हम तीनों में ही करना है जो करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर, वीडियो को लाइक से लाइक जरूर कर दें।